हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। एक्टर सभी बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये जानेंगे आज हम यश पांडित के साथ। वेलकम टू जॉइन फिल्म यश। थैंक यू। देखो माई, मैं शादीशुदा हूं एंड यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप। दोनों बातों में फर्क है, ओके? ये 1 लाख रुपीज का चेक? ये एक ऑफिस का एम्प्लॉय है, उसके यहाँ शादी है, सो 1000 की पगार है मेरी महीने की। जी हाँ, मैं आशीष बोल रहा हूँ। कितने का इंसेंटिव है? अगर तुम्हें उसके यहाँ से कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट लेना हो तो क्या लोगे? सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यश, अभी आप कर रहे हो वेब सीरीज जो रिलीज हो रही है उलू ऐप पे, उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या करेक्टर क्या? हाँ, मैंने एक्चुअली ये विभूजी की वेब सीरीज है जिसके ऐप का नाम है उल्लू। तो उनकी एक फिल्म की थी डेबोलिना के साथ जिसका नाम था द स्वीट लाय, जो बहुत प्रचलित हुई। और अभी जो फिल्म रिलीज हो रही है उसका नाम है एनिवर्सरी सरप्राइज। इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ मिस्ट्री, इट्स रोमांटिक। इसमें सब तरीके के शेड्स हैं जो ऑडियंस को लुभाएंगे। सो अभी ये फिल्म की शूटिंग मैंने की थी, तो तभी देखकर ही वो सीन्स को देखकर ही पता चल रहा था कि अच्छी फिल्म बन रही है। वो एक एक्टर को भी अंदर से और यूनिट को भी एक पता चल जाता है कि यार अच्छी फिल्म बन रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि टीम वर्क है और बहुत अच्छी मिस्टीरियस फिल्म है। ओके, और इसके साथ साथ आपका एक सीरियल भी चल रहा है डायन। जी हाँ, उसमें क्या प्ले कर रहे हैं आप? एकता के साथ मैंने पहले क्योंकि सास भी कभी बहु ठीक किया था, जिसमें पुलकित को रिप्लेस किया था एज लक्ष्य। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एकता कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया है डायन के लिए। और इसमें मैं दीपांग का कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये एन टीवी पे आता है। ओके, तो जब ये शोज आप करते हैं और जब वेब सीरीज करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, जो अलग अलग फ्रीडम है क्योंकि वहाँ पे सेल्फ गाइडलाइंस है और यहाँ पे अलग है, लगता है कुछ एज एन एक्टर फर्क मिल रहा है काम करने में? फर्क तो वैसे होता नहीं है यार, एक्टर एक बार कैमरा ऑन हो जाता है तो अपने डायलॉग्स बोलता है, लेकिन हाँ माहौल थोड़ा अलग होता है क्योंकि आप जब टेलीविजन में काम कर रहे होते हैं तो वो ऐसा होता है कि यार टेलीकास्ट आने वाला है। हाँ, तो बहुत सारे सीन्स आ जाते हैं और हमें मतलब यू नो और थोड़ा एट दी एज रहना पड़ता है कि यार हमें एकदम शार्प रहना है और अपना हाँ। डायलॉग अच्छी तरह से बोलना है और सीन खत्म करना है विथ इमोशंस एंड एवरीथिंग। सो टेलीविजन इज लाइक अ ब्यूटिफुल इंडस्ट्री बिकॉज इट कीप्स द एक्टर ऑन द एज ऑल द टाइम एंड यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू यू नो शूट फॉर एनीथिंग। एंड फिल्म्स भी की है मैंने, तो उसका माहौल ही अलग होता है। उसमें वर्कशॉप्स होते हैं, आप आराम से इत्मीनान से डायरेक्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं एक एक कैरेक्टर को। बट एकता मैम का ये है कि वो पहले एक बार एक पूरी ब्रीफिंग एक रखती हैं, सबको समझाती हैं कि ये आपका कैरेक्टर है, आपको ऐसे करना है वैसे करना है। तो ये बहुत अच्छा उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो अगर घर पे भी बैठी होंगी उनको एग्जैक्टली पता होगा कि ये सीन क्या है। तो मैं मतलब कमाल की लेडी हैं क्योंकि इतने सारे सीरियल्स चलते हैं और सब कैरेक्टर्स के बारे में डीप डाउन इनसाइड शी नोज एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग। यस, वैसे जो उनकी एक इमेज है कि वो बहुत नाराज हो जाती हैं, गुस्सा कर देती हैं, और आप बोलो कि वो ब्रीफ करती हैं, इतनी डिटेलिंग में जाती हैं, दोनों में अलग अलग दिख रही है मुझे बात। नहीं, देखिए आदमी गुस्सा क्यों करना चाहेगा? आई डोंट थिंक कि कोई भी व्यक्ति गुस्सा करना चाहेगा जब वो काम कर रहा है। कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, इट कैन बी इन एनी स्ट्रीम। तो आई थिंक शी इज वेरी डेडिकेटेड एकता मैम, एंड कभी कभी हो जाता है यार काम में आपस में सभी का हो जाता है, सभी का। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री इतना सॉफ्ट वो है ना, टारगेट की हाईलाइट हो जाती है बातें बहुत ज्यादा। आप कुछ भी कर लो, आप ठंडी कॉफी भी पी लो तो बोलो अरे यार ठंडी कॉफी पीती है। ओके, आपने शुरू से एक्टर बनने का सोचा यार? मैं एक्चुअली एक म्यूजिकल परिवार से हूँ, मेवाती घराने से, जहाँ पे म्यूजिकल पंडित जसराज जी मेरे छोटे दादाजी हैं, जतन जी मेरे चाचा हैं, मेरी बुआएं हीरोइंस रह चुकी हैं यस्टर ईयर्स में। और मैंने चेतन आनंद साहब की एक फिल्म की थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट विथ माय ग्रेट लविंग आई कॉल हिम डैड ओनली जैकी श्रॉफ। सो उनके साथ काम किया था, हरी भाई के साथ काम किया था, दैट वाज हिज लास्ट फिल्म संजीव कुमार। तो उनके एक माहौल में था मैं, स्कूल जाता था आता था शूटिंग करता था, चेतन साहब से मिलता था, कभी देव साहब एंटर होते थे और मैं उनको बस हक्का बक्का होकर देखता रहता था कि वाओ। और फिर तब तो मतलब वो DVDs और उसमें मतलब देव साहब की इतनी सारी फिल्में, इतने गाने, तो एक वो माहौल ही ऐसा था बचपन से कि यार लगा कि यार एक्टर बनना है। तो म्यूजिक हालांकि मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स जीती हैं एज अ सिंगर एंड ऑल, लेकिन मैंने बोला नहीं यार एक ही पे फोकस करो, आप ये भी करना है वो भी करना है मत करो। फिर आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि हंसल मेहता की मुझे ये क्या हो रहा है मिली, हैरी बविजा वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, देन अरिंदम चौधरी, उनकी मैंने 2 फिल्में की हैं, रोक सको तो रोक लो एंड फालतू विच वन अ नेशनल अवार्ड।
फिर मैंने टेलीविजन की तरफ रुख किया क्योंकि मुझे काम करना था, आई वॉन्ट टू वर्क. ओके, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस प्लेटफॉर्म पे किस मीडियम पे करें. एज अ प्रोफेशनल एक्टर आई वुड प्रेफर फिल्म्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वन हैज टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर, राइट? एंड दैट इज द रीजन आई गॉट इनटू टेलीविजन. एंड द इंडस्ट्री इज ब्यूटीफुल, इट्स वेरी प्रोफेशनल. एंड नाउ वेब सीरीज का जमाना है, सो आई एम डूइंग दैट. आई एम डूइंग अनदर फिल्म फॉर विक्रम भट्ट. अच्छा, वेब के लिए कर रहे हैं? वेरी गुड. तो विक्रम भट्ट के साथ भी काम करने का सबका ही सपना होता है कि एक बार मौका मिल जाए, तो वो भी इनका पूरा हो रहा है. आपने जब बताया इतना कि आप इस फैमिली से हैं, इतनी बड़ी फैमिली से हैं, और फिल्मों में आपका दखल भी रहा होगा, पहचान भी रही होगी, तो उस पहचान का फायदा मिला या ऑडिशंस ही देने पड़े और साबित ही करना पड़ा? एक्चुअली जो स्ट्रीम है वो म्यूजिकल है, सो म्यूजिक इंडस्ट्री से आप को बोलते हैं कि यार ये मेरा भतीजा है या यू नो मेरा बेटा है, आप इसको हीरो बना लो, तो कोई नहीं बनाता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी प्रोफेशनल, इट्स वेरी रूथलेस ऑल्सो, एंड यू हैव टू यू नो प्रूव योर मेटल. मैंने ऑडिशंस ही दी हैं, सैकड़ों ऑडिशंस दी हैं, और कोशिश की है कि मैं अपना छोटा सा मुकाम बना सकूं एंड आगे बढ़ता चलूं. ओके, ग्रेट. तो अभी जब आप वेब सीरीज कर रहे हैं, सीरियल कर रहे हैं, और फिल्म की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या अब लगता है कि म्यूजिक में भी कुछ ट्राई करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो आ गए हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं? आई वुड लव टू एंकर, आई वुड लव टू एंकर अ शो, बिकॉज जब सारेगामा शुरू हुआ था और सोनू निगम साहब जब फर्स्ट शो मैंने उनका देखा था बैठ के ऐसे कि कैसे कर रहे हैं, एंड यू नो व्हाट सोनू निगम इज ऑल अबाउट, तो अगर आप थोड़ा बहुत गा लेते हैं और आपकी अगर उच्चारण अच्छा है, आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आई थिंक एंकरिंग इज समथिंग आई वुड लव टू डू इन अ म्यूजिकल शो. डायन जैसा जब सीरियल होता है जिसमें कि आपके पास बहुत ज़्यादा ये नहीं मानता कि वाकई ये सब होती हैं, शक्तियाँ नहीं होती हैं, ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि सोच अलग होती है सबकी, और आपकी वैसी सोच नहीं रही होगी जहाँ तक है जाहिर तौर पर, तो जब वो एक्ट करते हो तो कैसे करेक्टर को कन्वे करते हो, पोर्ट्रेट करते हो? देखिए इतना कुछ है मीडिया में, इतने सारे टेलीविजन शोज आते हैं, इतनी आप बुक्स पढ़ते हैं या आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सुपरनैचुरल भी चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ लोग उसे विटनेस करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं. लेकिन एक एक्टर का ये होता है हमेशा, उसको एक अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि भाई ये सिचुएशन दी गई है, जहाँ से आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जितनी आपकी कुवत है, जितना आप जानते हैं, या अगर आप नहीं जानते तो आप प्लीज़ क्रिएटिव से पूछ लीजिए. मैं एक्टर्स को भी समझा रहा हूँ जो बनना चाहते हैं, कि आप इन्वॉल्वमेंट रखिए, कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी कैरेक्टर कर रहे हो सकता है मुझे कोई एकदम ही एक छोटे बच्चे का, जैसे अमित जी ने पा में किया था, राइट? तो उन्होंने कहाँ देखा होगा, लेकिन वो रिसर्च करके उस पर उसकी वीडियोज़ देख के, आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर ही आप देख लीजिए, इतने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. सो आई एम श्योर कि उससे आदमी जिसका जितना उसका उसमें फोकस रहेगा उतना सीखेगा और वो कैमरे के सामने आएगा. ओके, एक्टर को एक्टिंग आनी चाहिए, ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एटीट्यूड, बिहेवियर, जिससे कि वो रिपीट हो सकता है प्रोडक्शन हाउस में या काम लगातार कर सकता है? आई थिंक एयर एक हो गया है आजकल लोगों में, जो अचानक जिनके शोज चल जाते हैं या जो सुपरस्टार्स बन जाते हैं. आई थिंक मैं अमित जी को फॉलो करता हूँ. ओके, ग्रेट. कि बी ग्राउंडेड, बी हम्बल, ही इज लाइक माई एवरग्रीन स्टार एंड विल ऑलवेज रिमेन, एंड आई हैव लर्न्ड सो मच फ्रॉम हिम. सो उनका बिहेवियर देखिए यार, ही इज लाइक द बादशाह ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, ही इज लाइक द सुपर स्टार, द स्टार ऑफ द मिलेनियम, एंड ही सो ग्राउंडेड. सबसे ऐसे झुक के मिलेंगे, सबसे अच्छे से बातें करेंगे, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है उनका. सो आई थिंक आई फॉलो हिम. ओके, अब कुछ लोग होते हैं यार जिनमें एटीट्यूड होता है, एंड दे गेट अवे विद इट, एंड दे आर स्टिल सुपर स्टार्स. सो यू नो डिपेंड्स एक्चुअली. सो लेकिन आप प्रेफर करोगे कि ग्राउंडेड ही रहो, हम्बल रहो, बिल्कुल बिल्कुल, काम करते रहो, काम करो, काम से कभी वो नहीं होना चाहिए यार आधा घंटा ज्यादा हो गया तो मैं जा रहा हूँ, यू नो वो एयर नहीं होनी चाहिए. राइट राइट राइट. आई थिंक आप काम करो, अच्छी तरह से रहो, एक अच्छा माहौल बनाओ, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ, और काम करते रहो और अच्छा काम करो, ताकि लोगों को भी आप अच्छे लगो, और आप जैसे हो बेसिकली वो तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है. राइट. आप कितना भी बदलना चाहो कि यार एक स्वीट फेस, मास्क फेस, उससे नहीं चलता. ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आई वुड से. राइट. तो यश, एक्टिंग की बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन जो बात आपने बताई थी कि आप गाना गाते हैं और गाते हैं, तो वो गा दी. मैं गाता था. नहीं, अभी गायक कभी नहीं भूल सकता गायकी. अच्छा, तो किशोर दा का कोई गाना गा लूंगा मैं. ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, टनन ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए.
अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हाय ऐसे ना आहे भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे यश पंडित, जिनका गाना भी आपने सुना और उनकी बातें भी सुनी। अगर कंक्लूड करके बताऊं तो बहुत सारी बातें सीखने को मिली। पहली बात तो ये सीखने को मिली कि आप भले ही फिल्म इंडस्ट्री की फैमिलीज को जानते हों या जान पहचान हो, उसके बाद भी आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे। उन्होंने सैकड़ों ऑडिशन दिए। दूसरी बात ये कि अगर आपकी शुरुआत हो गई है फिल्मों से या सीरियल से, उसके बाद भी आपको हमेशा हर काम के लिए तैयार रहना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे, हर मीडियम पे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे उन्होंने वेब सीरीज भी किया, फिल्म भी किया और टीवी भी किया और लगातार अभी भी कर रहे हैं। बीइंग ए प्रोफेशनल एक्टर, ये जरूरी है कि आप लगातार काम करते रहें। दूसरी बात ये कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए प्रोडक्शन के साथ, तभी आपको एक रिपीट वैल्यू मिलती है। उन्होंने आप लोगों के लिए गाना भी गाया। आप बताइएगा उनकी कौन सी बात अच्छी लगी, उनका गाना आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मुझे जितना भी पता है, मैं जॉइन फिल्म्स के माध्यम से आपको बताता हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ। आजकल इंडस्ट्री के लोग भी अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो आपके ऊपर भी एक छोटी सी जिम्मेदारी है, जहाँ जहाँ पर भी आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे इसको शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ करिए, ताकि जॉइन फिल्म्स का मिशन, आपका मिशन पूरा हो कि हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बने कि अगर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके मन में घबराहट ना हो, उसके माँ बाप के मन में कोई डर ना हो। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। All the very best. I can, I-